भाई देख रहे हो कंस्ट्रक्शन कितनी ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन हो रही है। और बाकी मेरी जो बाइक है ना भाई, इसने लो फ्यूल की बत्ती दिखा दी। सो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग ऑफ अंकल राइडर्स। तो भाई आज भाई बहुत मस्ती करी और थोड़ा भाई पंजाबी बातें करी भाई थोड़ा बहुत। तो भाई कोई हिट नहीं, मस्ती है भाई, किसी भी उसका कोई मजाक नहीं, सब भाषियों का भाई रिस्पेक्ट है। बाकी कभी कभी मस्ती करते हैं अपन लोग। और बाकी देखो थोड़ी बहुत हमारी क्लिप्स आज दिन की जो हमने बात बातें करी, थोड़ा फन करा आज। तेरे पे कुछ काम वाम नहीं है क्या है? अबे लेकिन ये तो बता दे शर्ट कहाँ से लाया तू? ये देखो भाई नई नई शर्ट है। शर्ट कैसी लग रही है? बढ़िया। लेकिन तुम मुझे बता के जाओ कि तुम लेके जा रहे हो, क्या क्या लेके आओगे? भाई तुम दोनों बियर पी रहे हो? बियर पी रहे हो ना तुम दोनों? ये बोल रहा रिकॉर्ड कर लिया मैंने, चाचा को भेजूंगा मैं। तुम सामान बताओ, सामान का क्या क्या लेके आ रहे हो? क्योंकि तुम साला बताओ एक रुमाली रोटी लाके आएगा एक पूरा थान लेके क्या? बाल भी खराब कर दिया। तू कितनी ले रहा है? तीन रुमाली रोटी और कितने कुलचे? तो भाई मेरी पांच रुमाली रोटी और दो कुलचे। उससे पूछी तो रुमाली रोटी है कितनी, सारी पैक कर। सुन एक काम करिए, उसको जाके पूछो पूरे दिन की कितने बनाते हो। ये पैसे पकड़ो मेरे को, ठेला दे अपना। तो बेटा बनवा के ना बढ़िया से आना, ठीक है? चटपटी ना, चटपटी एकदम। वो भी करवा सकते तुम लोग, वो तुम्हारे लिए अपना, लेकिन हमारे लिए दाल बड़ी लेके आना, ठीक है? तुम तीनों से तीनों ना भाई बिल्कुल माफिया लग रहे हो, माफी एकदम खतरनाक वाले माफिया लग रहे हो। इसकी शर्ट ठीक है? तो हम लोगों के पास आए भाई स्पेशली गुजिया जो बना के आया निशु, और ये लगा हुआ टटिया साफ करने में भाई ढंग से कर, ठीक है? निशु तुम इतनी अच्छी गुजिया कैसे बनाते भाई? किसने? आंटी ने बनाई, पड़ोस वाले। अरे पड़ोस वाले आंटी ने बनाई है सेक्सी गुजिया। तो आज का भाई हमारा लंच बहुत स्पेशल होने वाला है। कैसे खाओगे आज ज़्यादा बताओ, जल्द लेट लेट के भाई इन्होंने मंजी बिछा दी है, मंजी बिच गल्ला करेंगे आज। तो मंजी बिच गल्ला करेगा और मंजी बिच हल्ला करेगा है? आयो चलो, आजा चलो, हल्ला करवाओगे? मैं कह रहा हूँ चलो देखते हैं आज मंजी बिच गल्ला होती है मंजी बिच हल्ला। जूस चाट कुलचे चाट दे बिच कुलचे आज ऐसे ओनली पंजाबी गल्ला करेंगे, ठीक है? ये किया है दसो, जरा दसो। तो देखेंगे अभी, देख देख के तो देखेंगे अभी, क्या पता क्या है इसमें। तो फोन है सा सत श्री अकाल दसो लू पापा जी, सत श्री अकाल। वो मेरे एक ही हो गया नहीं कहेंगे ना हम लोग, क्या कहेंगे भाई? हम तो मेरठ में आ रखे भाई। तुम कहाँ पे हो उस टाइम पे? तो यार अभी बस यहाँ से निकलने का टाइम हमारा हो चुका है, अभी बस थोड़ी सी एक ड्रिंक पीते हैं। और ये पंजाबी बीच गल्ला करने लग रहा है, इसने सुबह से मैं पंजाबी इतनी बोल दी ना कि आज ये घर जाती ना पता नहीं क्या ही करेगा सच्ची। अभी बस यार वो हमारे लिए ड्रिंक लेने गया, क्योंकि भाई इसने जो भाई दी वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। साडा व्लॉग आज से पंजाबी बीच ही आएगा, बिल्कुल एकदम कड़क गल्ला गल्ला बिच। साडे वीरे वीडियो लाइक कर। ये देखो भाई इस लड़के की हंसी नहीं रुक रही है इसके। ये अपन अपना छोटा प्रा छोटा
दिल भी चुकी के 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 तो फोन आया थी ये ऐसे प्रादा फोन आया था ऐसे प्रादी वाले पियो है पियो है जितने तू प्रा के दजी ना वो ऐसे पियो है आपको भाई बना दिया अभी रे अब बता क्या लस्सी पिएगा हरिया की लस्सी पिएगा मूल की भाई ऐसी तो पंजाबी लस्सी पीने वाले से आए थे हरिया की पियोगे ऐसा बड़ा ग्लास ऐसा बड़ा स्टील वाला ऐसा बड़ा ग्लास ही है हरिया की पियोगे वो कह रहा है कि पियोगे ना बस कोल्ड ड्रिंक ले क्या फटाफट से कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक हम सब नहीं हरिया की पंजाबी मट्ठा पंजाबी मट्ठा जो थोड़ा खट्टा अरे अमूल के टेट्रा पैक लियो जाओ अरे यार कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाओ तुमने भी ना सुखा दिया हमारे को अमूल के टेट्रा पैक जाओ 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 लिया टेट्रा पैक वीरे भंगड़ा करते जा वीरे भंगड़ा करते जा साइकिल बेच नाटू की मेरठ में भाई आर्मी इतनी है ना भाई बहुत ज़्यादा आर्मी हर जगह भाई कैंट में ना भाई पूरा कैंट ही भाई वैसे तो हर जगह ही निकल होता है लेकिन मेरठ में भाई बहुत ज़्यादा आर्मी है और बहुत सही मेंटेन भी हो रखा है इनके वजह से कैंट कैंट में घूमने में ना भाई बहुत मज़ा आता है बहुत ग्रीनरी है भाई यहाँ पर और वेल मेंटेन है भाई मेरठ का कैंट शहर भाई किसानों की रैली जा रही है भाई यहाँ पर भाई आराम से निकाल लेते हैं साइड में से भाई ट्रैक्टर पे भाई बहुत ज़बरदस्त रैली बेहतरीन सिस्टम लगा रखा भाई और ज़बरदस्त मज़े करते चलते हैं काम को भाई वीडियो क्वालिटी भाई बहुत ज़बरदस्त आती है भाई क्योंकि यार सब चीज़ें भाई एकदम बैलेंस होती हैं लाइट वाइट बहुत ज़बरदस्त होती है बाकी यार धीरे धीरे चल रहे हैं और भाई थोड़ा लंबा रास्ता लगेगा भाई अपने को यार क्योंकि भाई मेरठ एक्सप्रेस वे हमारे पास नहीं है हर व्लॉग में भाई मैं यही बोलता हूँ जब भी मैं बाइक से आता हूँ ना भाई ये चीज़ भाई दिल को दुखती है यार टोल लगाओ यार जो भी सुन रहा भाई टोल लगाओ बाइकों का भाई वहाँ पर बाइक्स बहुत कम हो जाएंगी और हम भी भाई टोल भरेंगे आपका सर मेरठ बाईपास में ना भाई इतने तगड़े तगड़े रिजॉर्ट खुल रहे ना अभी पीछे खुला हुआ है एकदम मार्क करके भाई क्या रिजॉर्ट खुला है मेरे ख्याल से वहाँ पर फूड कोर्ट भी खुला है और साथ में भाई उनका होटल भी है और रिजॉर्ट भी है एक नंबर भाई कोई आता आता देखेगा ना बताना भाई क्या ज़बरदस्त बना हुआ है बाकी कभी आएंगे वहाँ पर भी लेकिन भारत तो भाई बहुत ज़बरदस्त बन रखा था क्या एंट्री बना रखी थी क्या ज़बरदस्त बाकी ऐसे ऐसे वैसे रिजॉर्ट ना वैसे यहाँ तो जिम कॉर्बेट में मिलते हैं जिम कॉर्बेट वाले मतलब वही हैं थोड़ी सी लोकेशन अच्छी हो जाती है मतलब पहाड़ वहाड़ साइड का लेकिन पर उसके अलावा भाई इधर साइड ना रिजॉर्ट एक नंबर रहते हैं भाई मेरठ में भाई रिजॉर्ट होगी तो भाई क्वालिटी भाई बहुत हाई है सो मेरठ एक्सप्रेस वे के लिए भाई ये जा रहा है रिस्क ले क्या ना 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 भाई ये बहुत खतरनाक जगह है 20,000 रुपये का चलान भाई कौन भरेगा 5-6 बार बाइक लेके जाओ अपना भाई सिस्टम ही ख़राब बाइक की मतलब पूरी वैल्यू ख़त्म बाकी सनसेट इस टाइम भाई बहुत ज़बरदस्त हो रखा है यही टाइम होता है भाई मते वाला जो होता है यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिखाई दे सब कुछ बढ़िया लगे यही वो वाला टाइम है बाकी अब यहाँ से ना खिचपिच वाली सड़क स्टार्ट हो जाएगी भाई साहब सर दर्द हो जाते हैं यहाँ पे चलाने में भाई कोई बात नहीं चलाएंगे घर तो पहुँचना है भाई भाई देख रहे हो कंस्ट्रक्शन कितनी ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन हो रही है और बाकी मेरी जो बाइक है ना भाई इसने लो फ्यूल की बत्ती दिखा दी 80 किलोमीटर्स दिखा रही है बाकी देखते हैं भाई कितनी रियल रहती है ये क्योंकि यहाँ से ना अराउंड 50 किलोमीटर के आसपास रह रखा है तो देखते हैं 80 किलोमीटर कितना बचता है क्योंकि यार बाइकों का ना बाइकों का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स होते हैं ना जो रेंज दिखाते हैं ये भाई बहुत जल्दी फ्लक्चुएट कर जाते हैं छोटी सड़क ऊपर से इन जैसे वेव को भाई बीच में खड़े कर देते हैं वेरी गुड यार वेरी नाइस भाई इन लोगों के लिए तो भाई मज़ेदार चीज़ करनी चाहिए कुछ सो यार भाई आज भाई यहाँ इस वाली रोड से ना बहुत टाइम बाद निकल रहा हूँ लेकिन काफ़ी सारी जो मेमोरीज है ना वो याद आ रही हैं भाई मैं अपने दोस्त यहाँ से आते थे जब बस थे एक एक बोर्ड पढ़ते हुए आता था नितिन भाई इतना पका देता था ना दिमाग खराब हो जाता था क्या मज़ा आता था लेकिन भाई पक तो जाते थे लेकिन भाई हंस हंस के ना हमारे पेट में दर्द हो जाते तो चुप ही नहीं होता था भाई पुराना टाइम भी एक अलग होता है और जो आज चल रहा है वो भी एक अलग है
सर बाबा के दर्शन कर लो यहाँ से भाई, हर हर महादेव। ठंडा मैया ये भी बहुत अच्छी जगह है भाई, छोटा हरिद्वार, यहाँ पे भी लोग आके बहुत नहाते हैं। बस यहाँ से अब 30 किलोमीटर है मेरा घर, 30 किलोमीटर कवर हो चुके हैं। बाकी रात होने लगी अपनी, अभी अजय जी की लाइट जलाएंगे भाई, लाइट की कोई टेंशन ही नहीं। लाइट भाई इतनी तगड़ी है ना अपने पे, बेहतरीन भाई। जो बजटेड लाइट है ना, मेरे हिसाब से इस बजट में ना ऐसी लाइट आपको नहीं मिलेगी भाई। थोड़ा सा थ्रो आपको दिखाई देता हूँ, ये देख लो भाई, ये वो है येलो और ये वाइट। येलो ज़बरदस्त है, वाइट भी ज़बरदस्त है यार भाई। जय हो बजरंग बली जी भाई, बहुत फेमस मंदिर है, अधिकतर भाई मैं इधर जाते हुए रुकता हुई हूँ, तो भाई दर्शन कर लो। जब सर पता नहीं यार लोग क्या मिलता है भाई, बिल्कुल ऐसे चिपका के निकलते हैं। अबे यार गैप है भाई, गैप ऐसे निकाल दो भाई। तो बहुत से लोगों को भाई चुल होती है, मतलब बिल्कुल चिपका के निकाल के ना पास से लेके आते हैं, हल्का तिकड़ो के यूँ चले जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना छपरी वाला स्टाइल, बहुत लोगों को देखा मैंने फॉलो करते भाई, बहुत फॉलो करते हैं। बाकी भी भाई 10 से 15 मिनट और लगेंगे बस घर पहुँचते हैं। बाकी चैम्प से शाम को बात करी थी भाई, वो रोने लगा था, तो बस यार वो भाई थोड़ा सा करता है। अभी बस पहुँचते हैं, बस वो घुमा के लेके आते हैं, उसको छिज्जी दिलाते हैं। चलो गाइस चलो चलो चलो, हम भी पहुँचे अपने घर। सर यहाँ पे भाई नोएडा में घुसते के साथ ही भाई जो व्यू आता है ना बिल्डिंग का भाई, बहुत ज़बरदस्त आता है। मतलब लगता है कि हाईटेक सिटी में आप घुस चुके हो। और भाई राइड बढ़िया चल रही है भाई, आज बहुत दिन बाद राइड करी भाई, अराउंड 120 किलोमीटर राइड हो गई, 60 जाना 60 आना, बल्कि 60 से ज़्यादा ही था जाते हुए, तो 10 किलोमीटर और 70 किलोमीटर साथ वाला 130 किलोमीटर भाई ऐसे चल गई आज। मतलब इससे कम यार बाइक वाइक चलाओ तो भाई क्या ही मज़ा आता है। बाकी घर भर के पास जब मैं घुमाता हूँ तो बस 15-20 मिनट या फिर एक घंटा ज़्यादा चलाओ, तो भी कुछ काम वाम के लिए धड़ाधड़ रुकना पड़ता है। बाकी ऐसी जो राइड होती है ना भाई, उसमें मज़ा आता है। और करते करते भाई साथ में सामने हमारे रेड लाइट आ चुकी और साथ ही साथ वो ग्रीन भी हो चुकी, तो फटाफट बिना ब्रेक मारे भाई लोग चल दो भाई, गाइस रन फास्ट। सो फाइनली वी आर बैक टू आवर होम। अभी मैं आपको थोड़ा सा ना अपनी एचजी लाइट का थ्रो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो जब मैंने अपलोड करी थी ना भाई, फिर बहुत सारी क्वेरीज थी कि कैसे क्लैम्प से अपने ऐड करा है, इसको क्या करा है, कैसे करा है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा थ्रो, तो भाई बहुत ज़बरदस्त है। तो यार कुछ कुछ ऐसा लुक आता है। बाकी क्लैम्प्स वगैरह ना इसमें यहीं पे मैंने ऐड करवा रखे हैं, यहीं पे छोटी सी जगह एक पेज होते हैं उसमें क्लैम्प साइड है। और लाइट देख लो भाई, लाइट का थ्रो बहुत ज़बरदस्त है और यहीं से वाइट हो जाती है, यहाँ से बंद हो गई, यहाँ से वाइट होगी, हाँ यहाँ से वाइट हो जाती है भाई, बहुत सेक्सी लगती है। बाकी बाइक का कुछ व्यू ऐसा रहा, बाइक बहुत ज़बरदस्त है, मेरा तो मन भरता नहीं अभी इससे, अभी तो मैं चलाने वाला हूँ भाई इससे कम से कम 3-4 साल तो चलाऊंगा। बाकी ऊपर पहुंचते हैं और देखते हैं भाई चैंप क्या कर रहा है। सो फाइनली वी आर बैक फ्रॉम आवर राइड। बाकी इस बार पहली बार भाई ऐसा हुआ कि जो बाइक ने मेरी जो रेंज दिखाई ना, वो रेंज दिखाई थी 70-80 किलोमीटर, तो घर आने के बाद भी भाई बच गई भाई 50 किलोमीटर की रेंज अभी भी दिखा रहा है। तो एवरेज अच्छा खासा दिया क्योंकि भाई भीड़ नहीं थी, तो अच्छा खासा एवरेज दिया। बाकी अधिकतर भाई ऐसा नहीं होता, 50 किलोमीटर अगर दिखा रही है ना तो 30 या 35 इतनी चलती है। और बाकी भाई HJG की लाइट भाई बहुत ज़बरदस्त है भाई, अगर आपको इंस्टॉल करवानी हो ना भाई ज़रूर इंस्टॉल करवा, इतने चीप रेट में ना इतनी अच्छी लाइट नहीं मिलेगी, अराउंड 1500 के आसपास में मिल जाती है, बटन वगैरह सब लगा के, क्योंकि 1300 की लाइट आती है लोकली, अगर आप करल बाग से रहते हो, बाहर से लेते हो तो भाई एक्सपेंसिव मिलेगी। बाकी इस वीडियो को इतने रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं होते चैनल सब्सक्राइब करना, टिल देन थैंक यू भाई। बाकी बाइक से रिलेटेड ड्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो भाई पूछ सकते हो, बिल्कुल बढ़िया और एकदम जो होता है जेन्युइन ओपिनियन हम लोग बताएंगे। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बाय।